गोरखपुर से होकर बिहार और दिल्ली मुंबई से लगाए देश के कोने कोने तक जाने वाले ट्रेनों में सफर करने के लिए करोड़ों यात्री आते हैं, लेकिन यात्रियों की बढ़ती भीड़ ने इस व्यवस्था को चरमरा दिया है। यात्री हर दिन जंग लड़ने को मजबूर रहते हैं। ऐसे में त्रिशूर कुछ इस तरह से निकल कर आती है जब इंडियन न्यूज की टीम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, जहां पर गोरखदार ट्रेन सफर करने वाले यात्रियों का हुजूम नजर आया। इस सफर का जायजा हमारे इंडियन न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने लिया, देखिए। के बीच में ये शायद एक एनआर की तकरीबन 2 करोड़ की आबादी के बीच में ये शायद एक एनआर की पहली ट्रेन है, गोरखधाम एक्सप्रेस, जिसमें तकरीबन 300 साधारण को जो है सीटें हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने लोगों की आबादी में ये सीट इतनी कम है कि लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं। आप खुद तस्वीरें देख सकते हैं कि कोई खड़ा है तो कोई गेट पर बैठा है तो कोई अंदर अगर है तो वो भी जो है हिल नहीं सकता है ना कुछ ले सकता है, जो जहां बैठ गया सो वहां बैठ गया। इस तरह की तस्वीरें हैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे, जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 से ये गोरखधाम जो गोरखपुर से दिल्ली और तमाम जगहों के लिए जाती है, तो भीड़ की जो स्थिति है वो आप साफ देख सकते हैं। खासकर त्यौहार के बाद जो ये भीड़ की स्थिति हुई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन लोगों की कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है, किस तरीके से सफर कर रहे हैं आप लोग, कितनी ज्यादा भीड़ है अंदर, कितने लोग हैं? काफी लोग हैं, बैठने का भी साधन नहीं है, काफी अथी है, कोई कोई खड़ा है तो कोई बैठा भी नहीं है, सब खड़ा है। देखिए ना सर, आप खुद देख लीजिए अंदर आकर, काफी भीड़ है। लोग अपने परिवार के साथ सफर कैसे करें क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और ट्रेन एक ही ऐसी है जो एनईआर की ये पहली ट्रेन है गोरखधाम, जिसमें लोग सफर करके बड़े आराम से दिल्ली पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है वो तस्वीर एक नहीं लगभग जितने भी कोचेज आपको आगे नजर आ रहे हैं, ये साधारण कोच है, इन कोच से अलावा जो स्लीपर कोच है उसमें भी जो है तस्वीरें एक जैसी है। इस तरफ मैं और आगे बढ़ करके आपको अगर दिखाऊं तो इस तरफ भी लगभग लगभग तस्वीरें उसी तरीके से आपको नजर आएंगी जितनी भी दूर तक कोचेज है। देखिए महिला हो चाहे कुछ भी हो, किस तरह से बैठ करके लोग जा रही हैं, कहीं भी जो है पूरी तरह से लोगों को सीट नहीं मिला है, लोग एकदम परेशान हैं। ये बताओ बेटा कितनी भीड़ है, कैसे कितनी परेशानी हो रही है? भीड़ तो है ऐसे ही जैसे सब कर रहे, दिल्ली तो क्या करे, ऐसी ना जाना पड़ेगा। हाँ सकते हैं कि लोगों की परेशानी कितनी है, पुरुष हो चाहे महिला हो, सबसे ज्यादा परेशानी कहीं ना कहीं इस सफर में महिलाओं को होगी क्योंकि वो जिस तरीके से अंदर बोगी में तो चढ़ गई हैं लेकिन पूरी तरह से सीट न मिल पाने के कारण वो जहां के तहां वहीं रुके हुए हैं और एक नहीं दो नहीं तकरीबन 24 घंटे का ये सफर इसी तरीके से लोग करने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे में जरूरत है रेलवे प्रशासन को कुछ और गाड़ियों को चलाने के लिए या फिर इन तरह के गाड़ियों में कुछ और कोचेस बढ़ाने की, ताकि ये यात्री जो परेशानी का सामना कर अपने सफर को पूरा कर रहे हैं उन्हें शायद थोड़ी सी राहत मिल सके। सुशील कुमार, इंडिया।